अपने किरदार को इतना मजबूती से निभाओ कि मजा आ जाए, है ना। याद रखना जिंदगी में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन जब तुम हार जाओ तब भी अगर तुम मुस्कुरा दो है ना, तो सामने वाले की जीत भी फीकी पड़ जाती है। यहाँ पे भरोसा रखो, लोग जब टांग खींचे तो जरा ज्यादा फोकस मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके अंदर है ना बस यही रहता है कि टांग खींच लो, बुराई करो, टांग खींचो, बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको यही काम करने दो, वो इसी काम के लिए बने, वो इसीलिए आते हैं। कई लोग चैट्स में भी आपने देखा होगा, बहुत लोग एक ना एक सोच के साथ आते हैं, आज चैट में कुछ इसके लिए गलत लिखे, तो ये क्या करता है। मैं ऐसे क्यों साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देखने आते हैं, मुझे सुनने आते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि जब कोई आपको ना टांग खींच रहा हो, आपकी बुराई कर रहा हो, जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना, जवाब मत देना, अपने काम पे ध्यान देना, एक दिन आप बुलंदियों पे पहुंच जाओगे। बस जो जानते हैं ना मेरी स्टोरी कि मैं कहां से निकल के कहां पहुंचा हूं, वो अच्छे से जानते हैं कि इन सब चीजों के मायने कितने हैं। क्योंकि जिस वक्त आप ठहर के लोगों को जवाब दोगे ना, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उन्होंने किसी से 10-20 रुपए ले रखे हैं, वो आपके चैट में आके या आपके आपके लिए कुछ भला बुरा बोलेंगे, या तो उनका कुछ फायदा होगा या किसी ने उनको पैसे देके बिठाया होगा, व्हाटएवर बी द रीजन, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि बस वो 10-20 रुपए लेके जिंदगी भर ऐसे ही करते रहे, तो बस याद रखना उनको पलट के जवाब मत देना, समझ रहे हो। नो वी डोंट हैव टू से एनीथिंग, ओनली से लूजर्स, दोज आर लूजर्स फॉर यू, दैट्स इट, ठीक है। उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय ये काम करने के।